हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जी फाइव पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है नेल पॉलिश। इस मूवी की ओवरऑल लेंथ करीब 2 घंटे 7 मिनट की। और अब आपके इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ये मूवी आप लोगों को देखनी है या नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की, तो कहानी शुरू होती है यूपी से, जहां पर 5 सालों में 36 माइग्रेंट बच्चों की मौत हो गई है और इस केस में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2 बच्चों की डेड बॉडी मिलती है और इस केस के प्राइम सस्पेक्ट बनते हैं वीर सिंह। बस आपको इस पूरी मूवी में यही देखना है कि क्या वाकई में वीर सिंह ने सिर्फ इन दोनों बच्चों को ही मारा या इनका कनेक्शन उन 36 बच्चों के साथ भी है। तो ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि एक कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स इस मूवी में डाले और जो इस मूवी का रियल कॉन्सेप्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको और भी ज़्यादा बताऊंगा तो फिर वो स्पॉयलर्स के अंदर आ जाएगा, आप लोग जब मूवी देखोगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। उसके बाद इस मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो एटलीस्ट जो मेन कैरेक्टर्स है उनको इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, और जैसे जैसे ये मूवी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे उनके बारे में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती है, जिस वजह से हम लोग इजीली उन सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर समझ पाते हैं। खैर, उसके अलावा इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे वो कोर्ट रूम ड्रामा के सीन्स हो चाहे वो लोकेशन हो, हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया है। उसके अलावा ये मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको एज ऑफ द सीट रखती है, यानी कि आप लोग ये गैस ही नहीं कर पाओगे कि एंड में होगा क्या, और इसी वजह से ये पूरी मूवी आप लोग वन शॉट में देख लोगे, आप कहीं से भी बोर हो गए नहीं, एटलीस्ट मैं तो कहीं से भी बोर नहीं हुआ। उसके बाद इस मूवी के अगर बीजीएम की बात करूं तो एकदम परफेक्ट लगा, हर एक सीन को उसका जो बीजीएम है परफेक्ट तरह से बैलेंस कर रहा था। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां पर आपको हर एक एक्टर, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, मानव कौल हो, आनंद तिवारी हो, रजित कपूर हो, सभी लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। लेकिन स्पेशली यहाँ पर मानव कौल का परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में बहुत ही गजब का लगा मुझे। उसके बाद इस मूवी में हमें मधु भी देखने को मिलती है, लेकिन उनसे रिलेटेड जो यहाँ पर प्लॉट था वो प्लॉट अगर नहीं भी होता तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता इस मूवी को। अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको एडल्ट सीन तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो डेड बॉडी के सीन से वो थोड़ा अजीब लग सकते हैं, तो इसलिए बच्चे और बुजुर्ग रहेंगे तो उनके सामने ये कुछ सीन्स मत देखना, अदरवाइज ही आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। मेरे हिसाब से तो ये एक वॉचेबल मूवी है, एटलीस्ट मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी, मैं कहीं से भी बोर हुआ नहीं। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको इस तरीके की जॉनर वाली मूवीज पसंद आती है नहीं। तो यार मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय और हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय करो।